Hi guys, so this is my first vlog and we are over the Ladakh skies and we're just about to land. And this is my hotel and let's go to the Leh market. See you there. So I'm in Leh market right now and we bus hum log yahan par aaye hain aur jo hamari ladkiyan hain wo shopping kar rahi hain aur mujhe lagta hai hamare driver sahab aa gaye. Yes. Neha. नेहा आ गया ख्याति चल. सो दिस इज द ले मार्केट. ओके सी यू गाइस लेटर. हम लोग अभी आए हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है अलची. यहाँ पे ट्रेडिशनल लद्दाखी फूड मिलता है और हमने कुछ बहुत ही अच्छा लजीज खाना खाया जिसमें से आई कैन शो फ्यू मोमेंट्स लेटर. और हमें और भी मोनास्ट्रीज वगैरह जानी है यहाँ पे, यहाँ से कंप्लीट करनी है और हमारा दिन अभी काफ़ी बचा हुआ है, लंबा घूमना है हमें. सो अभी हम यहाँ से खा पी के निकलेंगे. एक्चुअली हमें अभी और कुछ मंगाया. हाँ, हमने मटन मोमोज फिर से मंगाया हुआ है और हमने लद्दाखी टी मंगाई है जो ड्राई हाउ इज इट आई डोंट नो. सो उसके बाद हम निकलेंगे मोनास्ट्री के लिए. और ये हो गई इनकी बैटरी डाउन. अरे ये सब तो छोड़ो, नज़ारे देखो. तो हमारी चाय आ चुकी है व्हिच इज लद्दाखी स्पेशल टी एंड लुक्स रियली लवली. लेट मी नॉट वेस्ट टाइम, कुछ टू द टी. सो आपके कैमरा में तो मुझे ऐसे ब्राउन दिख रही है बट असल में ये पिंक है और इसमें सॉल्ट है, शुगर नहीं है, बटर है. सो या आई विल जस्ट टेस्ट एंड एक्चुअली इसको टी का नाम नहीं देना चाहिए, इसे कुछ सूप का नाम दे सकते हैं. इट्स लाइक अ सूप. It's very buttery and very tasty actually. Mm-hmm. Is it without the chai patti or? हाँ, chai patti नहीं है. Chai patti नहीं है. इसके चाय का नाम क्यों थी पता नहीं. लद्दाखी चाय है. मैं पूछती हूँ. Very nice. Try it. हमने दोबारा मटन मोमोज खा लिए हैं. इतने जूसी थे कि दोबारा आपको शक्ल दिखाने का मौका नहीं मिला. लेकिन हमारी जो कैशियर हैं अभी वो बिल पे कर रही हैं. जबकि मैंने मटन मोमोज खाए भी नहीं, चखे भी नहीं. वेज मोमोज कैसे लगे आपको? ओके, मीडियोकर. मीडियोकर. ओके, पर मटन मोमोज तो बहुत ही टेस्टी थे. मुझे कैसे पता? मैं बता रहा हूँ ना. सो ये हमारी कैशियर है ये ट्रिप के लिए और जो भी बिल आएगा वो यही पे करेंगी. तो खा पी के हो चुका है, अभी हम निकल चुके हैं मोनास्ट्री के लिए और है दीवार जिसे हमें छलांग लगा के जाना है. और ये है स्पेशल चीज और कुछ नहीं. You don't know what is clock and what is anti-clockwise. Clock ऐसे चलता है क्या? ऐसे चलता है. हाँ तो बराबर. इनकी बत्ती चक गई. So guys, we are in Jordan. ये मैंने. Jordan से we are in Switzerland. Now we have come to Switzerland. This is Switzerland in India. And now we are in India. What? Next morning. So good morning, guys. We are the breakfast table and we are heading to Nuvra today. And so we just finished our breakfast. Right now we are having a nice cup of tea with our fellow members. And trying very hard to make vlog because yeah. He doesn't remember to take out his phone to make yeah. a vlog. So I appreciate the effort that yeah. he is taking because it is very very difficult for us because हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं हमें मजा आता है, मजा आता है घूमने में फिरने में. और सडनली हम लोग याद होता है ब्लॉग बनाना था, भूल जाते हैं हमें याद ही नहीं रहता. अभी हमें थोड़ा सा याद आया तो हमने सोचा कि थोड़ा बना ही लेते हैं. चलो इसी बहाने आपको थोड़े से नज़ारे भी दिखा देता हूँ. हमारी शक्ल कितनी देखोगे नहीं. ये देखो, ये हमारे होटल से हमारा व्यू है. इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग दो बट इट्स एक्चुअल. So this is our hotel. And so the place that we are going right now is Nuvra Valley, and it's supposed to be very cold, supposed to be very beautiful, and
let's hope that journey amazing rahe. The only thing is that the journey from here is approximately 6 hours, so, and the roads are very bad, so probably that will take a toll on our heads, but we will enjoy and we'll keep you posted. See you there. So guys, we are already heading on our way, and as you can see, गाड़ी में हमने सारा सामान डाल चुके हैं अभी हम लोग, और अभी हम नोबरा के लिए. तो ये है खुली वादियाँ. हम लोग अभी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 feet पर पहुँच चुके हैं, और हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो सेशन भी कर लिया है, और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हर जगह, चारों जगह पर दिखाई दे रही हमें. और हम हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया. अरे वो देखो, वो नदी दिख रहा है क्या? फ्रोजन लेक. ये तो बहुत छोटू सा है, हम आपको और भी बढ़िया बढ़िया फ्रोजन लेक्स दिखाएंगे, बट दिस इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक और जगह पे भी बन रहा है, शायद चाइना में बन रहा है ना. कहाँ बन रहा है दूसरा हाईएस्ट मोटरेबल रोड? वो भी इंडिया में, अभी लेह में बन रहा है. क्या बात है, यही बन रहा है. मतलब इंडिया में, इंडिया के अलावा और कहीं पे भी नहीं है. जो हमारा चेकलिस्ट था, बकेट लिस्ट में हमारा, ये ओके हो जाएगा आज. वाह वाह, ये देखो, ये व्हाइट चादर देखो, कितनी प्यारी कारपेट है. गाइस, अभी हम खारडूंगा पास जाकर वापस आ चुके हैं, और हम सबकी हालतें ठीक ठाक हैं. ये लोग थोड़े से ऐसे हो गए थे, बट अब तैयार हो गए. आई विल जस्ट शो यू द व्यू, द ब्यूटी. मैं अपना हाथ ठंड में रखकर आप लोगों को ये खुशनुमा नजारे दिखा रही हूँ. आप देख सकते हैं, गिम्बल होता तो मजा. गिम्बल ओके. सो अच्छा, हमारे पीछे एक और लड़की बैठी है जो दिख नहीं रही है. ये रही पीछे. ये है खाती पीती घर की ख्याति. तुम कोई खाते पीते घर की नहीं, तुमकी सबकी हाथ, तुमकी सबकी तुम सब. जब हम आपको बोलते हैं आपको योगा करना चाहिए, उससे आपकी जो है ऑक्सीजन अच्छी रहती है, तो जो लोग योगा नहीं करते हैं उनकी ऐसी हालत, वो ऐसे ब्रीथ ऐसी. नॉट लाइक मी, शी इज अ योगा पर्सन, ही इज अ नॉट योगा पर्सन. एक और आगे बैठे हैं. नो यू आर नॉट, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग. वन मैन इज सिटिंग इन फ्रंट. हाउ उनकी हालत, आपकी हालत दिवाकर? ऐसे एक्टिंग कर रहा हूं. ठीक होने की एक्टिंग. यहाँ पे बस कोई लोग हैं जानदार. बहुत ही हालत खराब है. यही तो व्लॉग बन रहा है ऑलरेडी. हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है. बट दिस लोकेशन इज ब्यूट. Heaven, heaven. तो अब हम आ चुके हैं 15,500 feet पे, इस ढाबे टाइप के रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे हम अपनी गरम गरम चाय पी रहे हैं इन वादियों के सामने. अमेजिंग ढाबा, और काफी मजा आ रहा है अभी. लेकिन एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इतना. जो जब ऊपर गए थे तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हमें, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर अभी थोड़ा सा हम लोग एक्लिमटाइज हो चुके हैं आई गेस. और यहाँ पे धूप भी आ रही है अच्छी, इस वक्त आ रही है धूप, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है धूप. और हम चाय हमारी, हमने अभी मसाला मैगी, तड़का मैगी मंगाई है. चाय के लिए बोलना चाहेंगे कि चाय बिल्कुल भी ट्राई मत करना. टाइप के जगहों पे बहुत मुश्किल होता है अच्छी चाय मिलना. कल हालांकि हमने एक जगह पे चाय पी थी जो बहुत ही अच्छी थी, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, बहुत ही प्यारी चाय बनाई थी उन्होंने यहाँ पे, तो मतलब बना के रख दी इन्होंने. इसकी वजह से यहाँ से अभी हम लोग जो नुब्रा जाने वाले हैं वो 3-3.5 घंटा है, एंड इट इज लोअर देन क्या बोलते हैं लेह, विच इज एट अराउंड 10,000 feet. सो मच बेटर फॉर अस बिकॉज वी आर ऑलरेडी एक्लिमेटाइज्ड. सी यू गाइस. आ चुके हैं नुब्रा, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड. So this is our Nubra organic retreat camp, and this is a beautiful setup amongst mountains. And frankly speaking, मैं सबसे ज़्यादा पेड़ इसी एरिया में देख रहा हूँ, बाकी मैंने कहीं पेड़ देखे ही नहीं इतने सारे. ये पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, और बहुत ही अच्छा सेटअप है इनका. ट्री हाउसेस बने हुए हैं, हैमॉक है, और वहाँ पे बैडमिंटन प्ले एरिया है. फ्रेश पानी आ रहा है हिल्स में से,
ये देखिए, और ये उन्होंने मुझे बताया कि ये पानी पीने लायक है, मतलब बहुत ही फ्रेश पानी है ये। ये गटर का पानी नहीं है, ये बहुत ही फ्रेश पानी है जो हिल्स में से आ रहा है, एंड इट्स कम्प्लीटली ड्रिंकेबल। सो ऑल दो मैंने तो ट्राई नहीं किया और मैं शायद करना भी नहीं चाहूँगा, या मैं भी ट्राई कर भी लूँ। और यहाँ ऐसे ही कैंप्स हैं बहुत सारे, एक्चुअली रास्ते में हमने बहुत सारे कैंप्स देखे थे और मैं डर गया था कैंप्स देखकर रास्ते में, क्योंकि बहुत ही अनहाइजीनिक और बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं थी उन कैंप्स में। और जैसे हम यहाँ पे आए तब हमें लगा थैंक गॉड हमने बेटर कैंप चूज़ किया है, और बहुत ही अच्छा वेल सेटअप कैंप है। सो ये एक टेलीफोन बूथ जैसा बना है, आई थिंक दिस इज अ टेलीफोन बूथ ओनली, या राइट। तो मैंने अभी तक पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की नहीं है, बट दिस इज़ रियली नाइस। चाय पियेंगे, यहाँ पे हमने आम भी ख़रीदा है, तो यहाँ के लोकल आम, आई थिंक यहाँ पे आम तो नहीं उगते, यहाँ पे एप्पल्स उगते हैं, बट हाँ हम यहाँ पे आम भी खाएंगे। और रास्ते में हमने कहीं जगह पे लंच किया था जो कि बहुत ही बुरा था, इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव सरप्राइजिंगली। सो वो खा के थोड़ा सा खाना खा के थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, बट यहाँ पे आके मूड फिर से अच्छा हो गया, और यहाँ पे सुना खाना बहुत ही अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे खाना खाएंगे। आई विल ऑल्सो शो यू माई रूम। सो दिस इज़ माई कैंप एंड इट्स नेम्ड एज कैरेट। सो लेट्स एंटर। ये है हमारा रूम, अब तक हमने तो उसका थोड़ा सा गंद मचा दिया है यहाँ पे। और ये टेंट के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, और ये जो गैप है प्रोबेबली इट विल किल अस इन द नाइट। सो हम मोज़ वगैरह पहन के सोएंगे यहाँ पे, और मजा आएगा, लेट्स सी। So we have changed the room. This is much more brighter room. थोड़ा सन भी आता है यहाँ पे, as you can see, थोड़ा सा lit up है room. They can't see anything. They can't find out. We can. और थोड़ा सा यहाँ पे view भी better है. This is a tree house in front of the tree house. Actually, yeah. यहाँ पे हाँ, यहाँ पे actually energy है. वहाँ पे थोड़ी सी energy missing थी. Right. वाह, दिस इज़ अ कूल प्लेस यार। एक्चुअली हमें चाय यहीं पीनी चाहिए। मैं ज़रा बैठ के देखूँ उसके ऊपर। अरे रब्बा, या दिस इज़ कूल यार। मेरे बाल में रेड क्यों दिख रहे हैं? 1 minute 37 seconds later. अरे वन ऑफ परफॉर्मेंस, वन मोर फॉर YouTube. Wow! Superb! क्या बात? अरे 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 प्लीज। A few inches later. Roll camera action. अरे क्या बात? Momo party. Yum. Awesome. Well, if you want to see her. Well, come. Especially that.